आलू और मेथी की सब्जी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो आप। आलू और मेथी ले लिए अपन ने, और यहाँ पर लहसुन और प्याज हैं, दोनों नॉर्मली लिए अपन ने। आलू की अपन कटिंग कर लेते हैं फिर बिल्कुल बारीक बारीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो आप थोड़ी तो वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है मैंने यहाँ पर, आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे। उसके बाद में अपन मेथी को एक बार काटने के बाद दूसरी बार को काटेंगे, उसी कटी हुई मेथी को तीसरी बार भी काटेंगे, चौथी बार भी काटेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, आपको तो पता है एक बार देखने के बाद दूसरी बार आप समझ जाओगे कि किस प्रकार क्या करना है। देख लो, बार बार काट लो और इस प्रकार से बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट के रख लो इसको। आप प्याज को काट लेते हैं अपने यहाँ पर, और ये प्याज भी अपना कट चुका है। और मिर्च को ऐसे भी यूज कर सकते हो, मेरे पास ये थी तो मैंने ये यूज कर ली, आपके पास छोटी हो तो छोटी यूज कर लो, बड़ी हो तो बड़ी यूज कर लो। लहसुन को बारीक बारीक काट लेंगे अपन, और अदरक को भी बारीक बारीक काट लेंगे अपन। सरसों का ऑयल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपके पास जो भी हो वो यूज कर लो, पर बाकी जो सरसों के ऑयल में जो स्वाद आता है वो कुछ और ही बात रहती है। धनिया डाल दिया मैंने यहाँ पर, और धनिया डालने के बाद में यहाँ पर जो लहसुन और अदरक काटी थी अपनी बारीक बारीक वो डाल देते हैं अपन यहाँ पर, तो कुछ देर इनको पकने देते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पर प्याज छोड़ देते हैं, और प्याज को भी बादामी कलर होने तक पकने देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना, मीडियम रखो पर हाई ना करो। उसके बाद में हरी कटी हुई मिर्च डाल देते हैं अपन, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं। आलू भी अपने यहाँ पहले से डाल दिया है। सबकी स्टाइलिश अलग अलग होती है, मेरी स्टाइलिश ये है, मेरा तरीका मतलब ये है बनाने का। जल्दी पकने के लिए थोड़ा नमक पहले से यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर, हल्दी भी पहले से डाल देते हैं, सूखा धनिया भी डाल देते हैं, और लास्ट में जो बची हुई अपनी रेसिपी है खिलाने के बाद में वो भी अपन यूज कर लेते हैं। ये मेथी डाल दी अपन ने हरी कटी हुई, देख लो इस प्रकार मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप चलने दो, और थोड़ी देर 2-5 मिनट इसको पकने दो, तो उसे 3 मिनट 4 मिनट कुक होता है। हरी मिर्च यहाँ पर अब यूज़ करी मैंने, कुछ लोग पहले भी यूज़ कर लेते हैं, मैं बाद में यूज़ करता हूँ, रेसिपी के अनुसार बाद में यूज़ कर रहा हूँ मैं भी। और अच्छे से इनको पकने देते हैं लो फ्लेम में बिल्कुल, कुछ देर के लिए ला भी लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप, रेसिपी बहुत ही अच्छी बन गई है अपनी, और ये हरा धनिया भी अपने यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, बिल्कुल शॉर्टकट वीडियो है, अपने को ज़्यादा बड़ी रेसिपी बनाई नहीं है इसमें। जो भी माता बहने देख रही हो, जो भी भाई बंधु अपने देख रहे हो, यार बहुत मतलब परेशानी में, एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।